फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या बताएं कि घटते बढ़ते होना चाहिए। तो देखिए 2 से 5 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, 30 हुआ, 35, यानी बढ़ता ही चला गया। इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है घटते बढ़ते होना चाहिए। तो कैसे निकलेगा फ्रीक्वेंसी? तो चलिए, तो क्वेश्चन मीडियन का है क्वेश्चन नंबर 12, और 12 का है बी नंबर है। क्वेश्चन है कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा। चलिए यहाँ पे लिख दीजिए कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में है, मार्क बिलो यानी से कम प्राप्त अंक, यानी कम लेना है, लेस देन है, और छात्रों की संख्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो दिया हुआ है 3, 5, 7, 10, 13, 15, 20, 25 और 30, यानी कहीं डिफरेंट है 2 का और कहीं डिफरेंट है 3 का और कहीं डिफरेंट है 5 का डिफरेंट। अंतर जो है सबका अलग अलग है। ठीक है, तो हम लोग मीडियन बना रहे हैं, तो अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका यहाँ पे अंतर एक करना है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि इसका अंतर क्या करना है, एक करना है। बस इसको खाली ये ज़रूरी है करना कि इसको क्लास में ले आना है, और क्लास का मतलब क्या होता है कि जितना से एंड होता है उतना ऐसे ही स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, जितना से एंड होगा उतना से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे है कि कम लेना है, पहले क्या लेस देन है, यानी 3 है तो 3 से कम लेना है, 5 है 5 से कम लेना है। अब कितना कम से लेंगे, तो जितना का अंतर है, और जितना का अंतर है मतलब कहाँ वाला अंतर लेंगे, बीच वाला अंतर या शुरू वाला। तो जैसे शुरू कितना से है, जैसे 3 है ना, 3 है 5 है और 7 है। तो जब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, यानी एक्चुअल जब क्लास बनाएंगे, जब हम एक्चुअल क्लास अगर बनाते हैं, तो 3 से कम बोला है, तो 3 से कम कितना लेंगे। देखिए यहाँ पे अंतर कितना का है, 2 का अंतर है। कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। इसका मतलब जो क्लास बनेगा वो अंतर कितना होना चाहिए, शुरू में 2 का ही अंतर होना चाहिए। तो कितना लेंगे 3 से कम, कितना, 0 से 3 नहीं, 0 से 3 लेंगे तो 3 का अंतर हो जाएगा, और जबकि यहाँ अंतर कितना का है, 2 का अंतर है, तो गलत हो जाएगा। तो कितना लेंगे, 1 से 3 लेंगे। ठीक है, अब बाकी जैसे है वैसे बना दीजिए, अब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना होगा, 1 से 3 हो गया, अगला है 3 से फिर 5 है ना, 3 से 5 है, फिर 5 से 7 है, वो लेते जाइए, अब बन जाएगा, जो डिफरेंट है वो अपने आप में बनते जाएगा। ठीक है, फिर 7 से कितना है बताइए, 7 से 10 है, और 10 से 13 है, और 13 से 15 है, और 15 से 20 है, 15 से 20 है, और है 20 से 25, 25 से 30 और है। चलिए यहाँ तक ही खत्म हो गया। तो समझ में आया कैसे इसको लेना है। अब चलते हैं इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये बताइए कितना है, 2, 5, 10, 15, 30, 35, 42, 47, 50। क्या ये फ्रीक्वेंसी है ठीक, देखिए है ठीक नहीं है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या बताएं कि घटते बढ़ते होना चाहिए। तो देखिए 2 से 5 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, 30 हुआ, 35, यानी बढ़ता ही चला गया। इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है घटते बढ़ते होना चाहिए। तो कैसे निकलेगा फ्रीक्वेंसी, इसको भी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी में निकालना है नहीं। चलिए इसको फ्रीक्वेंसी में निकालना है, क्या बताए थे, एक दूसरे से माइनस करते जाना है, और जिधर से बढ़ेगा उधर से ही माइनस करते जाना। अगर यही संख्या इधर से बढ़ते जाता तो हम इधर से माइनस करते, ठीक है। तो चलिए 2 है, अगर ऊपर वाला से माइनस करेगा, ऊपर एक दूसरे से ही माइनस होगा ना, तो एक ऊपर वाला माइनस होगा, कुछ नहीं होगा, यानी 2 का 2 रहेगा सिंपल सीधा। और शुरू अगर आप सोचेंगे तो शुरू पहले ही 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब ये वाला किस में माइनस होगा, अगले वाला में, तो बताइए कितना होगा, 3 होगा। फिर 5 से 10 में माइनस होगा तो 5 होगा, 10 में 15 में माइनस होगा 5, 15 30 होगा
15, और 30 और 35 में तो 5, 35 और 42 में तो 7, 42 और 47 में तो 5, 47 और 50 में 3। बताइए घट बढ़ रहा है, ये फ्रीक्वेंसी आपका आ गया। ठीक है, अब हम लोग का मीडियन निकालने का स्टेप नंबर 1 क्या है, क्या है बोलिए। पहला है, अगर हम लोग देखते हैं तो CF निकालना है पहला, नहीं जब हम लोग का CF निकल जाएगा तब हम लोग साइज का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो उससे हम लोग का फिर मीडियन लाइन पता चल जाएगा। नहीं तो पहला याद रखना है कि पहला क्या निकालना है, CF, पहला निकालना है CF, क्योंकि यही आप काम करेंगे तभी आगे प्रोसेस होगा। CF, CF का मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए इसको बताइए कैसे CF निकलेगा, ऐड करते जाएंगे आप, 2, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 15 30, 30 और 5 35, 35 और 7 42, 42 और 5 47, 47 और 3 50। अब हम बताए थे कि जितना आप CF निकालेंगे, जितना ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एंड होगा उतना ही इसको ऐड करने पर एन 50 आना चाहिए, तो आ जाएगा 50। ठीक है, अब कहता है कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें स्टेप 1 बोली या फिर 2 बोली, अब निकालना है आपको साइज निकालना है, ठीक है, यानी मीडियन लाइन के लिए, तो एम बराबर होगा साइज ऑफ फॉर्मूला बोली एन बाय 2 द आइटम, ये हो जाएगा साइज ऑफ एन बराबर कितना है 50 है और डिवाइडेड 2 है, फिर होगा साइज ऑफ, ये 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब ये हम लोग का जो 25 आया है यह कितना के साइज में है, 25 कितने के साइज में आएगा, तो देखिए साइज कैसे पता करते हैं, 2 और 5 के बीच में आएगा 25, 5 और 10 के बीच में आएगा, 10 और 15 के बीच में आएगा, 15 और 30 के बीच में आएगा, आएगा, तो यानी ये जो बन गया 15 और 30 के बीच में आएगा, ये जो बन जाएगा संख्या, इसी को कहते हैं मीडियन लाइन कहते हैं, और इसको आप आराम से घेरा लगा दीजिए, इसको घेरा लगा दीजिए, ये आपका पूरा काम का चीज है। ठीक है, ये जो आप फ्रीक्वेंसी एक्चुअल निकालने हैं ये आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और ये आपका L1 हो जाएगा, और ये आपका L2 हो जाएगा, और जस्ट इसका ऊपर वाला ये CF बोलिए या फिर ओनली C कर सकते हैं। ठीक है, आप फार्मूला का प्रयोग करिए आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, देखिए सूत्र का प्रयोग करिए, मीडियन बराबर फार्मूला बोलो, L1 प्लस बोलते जाइए M माइनस CF हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए L1 बराबर कितना है 10, और हम जानते हैं ये कौन सा एवरेज है, पोजिशनल एवरेज है, तो पोजिशनल एवरेज है यानी इसका पोजिशन हम लोग देख लिए, यानी इसका जो आंसर होगा वो 10 और 13 के ही बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो L1 बराबर कितना हो जाएगा 10, 10 ही है ना, और I बराबर देखिए अंतर कितना का है, देखिए यहाँ अंतर कुछ और है, इधर अंतर कुछ और है, हम किसका अंतर लेंगे 10 और 13 का ही बीच वाला अंतर लेंगे। ठीक है, जो पोजीशन में आया है, तो कितना का अंतर है वहाँ पे 3 का अंतर है, और F बराबर कितना होगा 15 होगा, M बराबर कितना आया है 25 आया है, CF बराबर कितना है 15 है। चलिए तो 10 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 15 होगा, 15 और इसमें माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, इसको यहाँ पर 30 बन जाएगा, गुना कर दिए तो, और इसको डिवाइड कर देंगे, नहीं 15 दूना 30 हो गया, कितना आंसर आएगा 10 और 2 12, ये हम लोग का 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ तक दिख रहा है M बराबर 12, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, यानी आंसर किसके बीच में आया है 10 और 13 के ही बीच में आया, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए बुक, तो इसमें से देखिए कि हम लोग जो भी मीडियन का क्वेश्चन
बनाएं क्वेश्चन नंबर 12 का बी नंबर बनाएं, बाकी जितना भी क्वेश्चन है सारा बन गया है, ठीक है। और सभी जो क्वेश्चन है यानी कि अभी जो ये क्वेश्चन बनाएं यही ट्रिक से जितना भी आगे का क्वेश्चन है, चाहे 13 हो या फिर 14 हो, 15 हो, 16 हो, है ना, जितना भी आगे का क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है।